अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले, जिसके लिए मैंने लिए थे 2 कप छोले, जिनको मैंने रात को अच्छे से भिगो के रख दिया था और धो के भिगो के रख दिया था, और सुबह उठ के मैंने इसमें 6 से 7 विसल लगा दी थी। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिए हैं साबुत धनिया, 1 साबुत लाल मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा, जिसको मैं करूँगी ड्राई रोस्ट। इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये हल्का से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और हल्की हल्की भीनी भीनी इसमें से खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। जब ये ड्राई रोस्ट हम इसको कर लेंगे तो इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। और इसको रोस्ट करने के बाद मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में, और यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई जिसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच डाले हैं तेल के, और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी 1 चम्मच कुटी काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और 3 से 4 लौंग। और ये तीनों चीज़ें मैं डाल दूँगी तेल गर्म होने के बाद कढ़ाई में। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर जिनको मैंने चॉप कर रखा था, और ये भी मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। और इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है कि बस प्याज अधकचरी हो जाए, हमें इस हद तक प्याज को पकाना है। इसमें चम्मच चलाते रहेंगे कि प्याज नीचे लगे नहीं। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बारीक हरी मिर्च काट के। एक ग्रीन चिली डालने से एक अलग ही खाने में फ्लेवर आ जाता है, तो हो सके तो ग्रीन चिली ज़रूर डालें। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी इसमें डाला है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनूंगी। और मैंने लिया था यहाँ पे 1 से 1.5 टमाटर की प्यूरी, वो भी मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, और इसको भी अच्छे तरीके से भुनेंगे। जो टमाटर की प्यूरी है वो छोलों में एक हल्का सा खट्टापन देती है, जिससे छोले और भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। और टमाटर को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पे वही मसाला लिया है जिसको मैंने ग्राइंड करा था, और यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये सब मसाले भी हम डाल देंगे कढ़ाई में और इनको अच्छे से भुनेंगे। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि जो टमाटर की प्यूरी डाली थी वो भी अपना टमाटर पानी काफ़ी छोड़ता है। और यहाँ मैंने डाला है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इधर मैंने लिया है 1 चम्मच छोले मसाला। आप चाहें तो ये रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको घर में बना के एक जार में रख सकते हैं और अपने रेसिपीज़ में डाल सकते हैं। अब हमने तकरीबन सभी मसाले इसमें डाल दिए हैं, और इसको अब हम 10 से 15 मिनट तक के लिए भूनेंगे। और जब थोड़ा मसाला भुन जाएगा तो इसमें जो हमने छोले बॉईल करे थे वो इसमें डालेंगे पानी निकाल निकाल कर। ये हमने छोले छान छान के उसमें डाले हैं, जो पानी छोलों का कुकर के अंदर रह गया है वो जब जब ज़रूरत पड़ेगी वो हम उस वक्त डालेंगे। और यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है कि छोले नीचे लग ना जाए या मसाला जल ना जाए। अब मैं चम्मच की मदद से 1/3 छोलों को मैश कर दूंगी, हल्का हल्का। पूरे छोलों को हमें मैश नहीं करना है, वरना छोले की जो खूबसूरती है वो प्रॉपर नज़र नहीं आएगी, लेकिन हम 1/3 छोले इसमें मैश करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर का भी डाला है हल्के से खट्टेपन के लिए। और यहाँ पे छोलों को अब मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको आप लिड से कवर कर दें और इसके हल्के हल्के जो मसाले हैं वो छोलों में अच्छे से लग जाएंगे। और बिल्कुल आखिर में मैं डालूँगी 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और पूरे छोले भुनने के बाद सबसे आखिर में मैंने इसमें डाला है थोड़ा पानी। जितना भी आपको ग्रेवी थिक रखनी है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है धनिया पत्ता काट के, और पानी में एक बॉईल आने के बाद हम फ्लेम कर देंगे बंद और उसको करेंगे डिश में सर्व। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।